आज की जो वीडियो होने वाली गाइस उसमें हमारे पास एक मोबाइल प्लेयर, वो भी 100% हेडशॉट रेट, जिसका मैचेस भी उसके 100 से ज्यादा है, कुछ ही टाइम में प्रोफाइल दिखाऊंगा। बट गाइस लिटरली ये इनसेन है किसी मोबाइल प्लेयर का इतना हेडशॉट रेट यहाँ पे होना। और उसके सामने यहाँ पे होने वाला है गाइस एक जीरोक्स, यहाँ पे बिल्कुल जीरोक्स की तरह वो प्लेयर खेलता है। मूवमेंट स्पीड खतरनाक है, एक्यूरेसी खतरनाक है। और गाइस इसके साथ साथ आज की वीडियो में एक और प्लेयर रहेगा, द वन एंड ओनली यहाँ पे एनजी एंग्री, जो कि रियल है खरे। यानी कि आज की वीडियो में हमारे पास तीन प्लेयर हैं यहाँ पे मोबाइल के, बट फर्स्ट जो मैच करेंगे वो दोनों अंडररेटेड प्लेयर होने वाले हैं, जिसका हेडशॉट 100% है और उसके अगेंस्ट में रहेगा जो प्लेयर यहाँ पे जेरोक्स की तरह खेलता है। फिर इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो करेगा एंग्री से यहाँ पे मैच। मेरे को लग रहा है आज एंग्री नहीं बचने वाला है, क्योंकि ये जो 100% हेडशॉट रेट वाला बंदा है बहुत खतरनाक है। और ये करेंटली इसका 98 पॉइंट कुछ है। ये बोल रहा था कि भाई मैं ऑफलाइन हो गया था, मेरे बोट ने वहां पे बॉडी मार दिया, इसलिए थोड़ा सा हेडशॉट रेट यहाँ पे कम हो गया। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं इनके चैनल्स की तरफ। यहाँ पे इनके चैनल पे देखते हैं इन्होंने क्या क्या वीडियो डाली है, क्या ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। बट आप लोग यहाँ पे देख लेना और मेरे को बताना, फिर चलेंगे इनको ग्रुप में लेके आएंगे, इनसे बात करेंगे। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और लाइक जरूर कर लेना सारे भाई लोग, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये है वो बंदा जो बहुत फास्ट खेलता है जीरोक्स की तरह, और एक्यूरेसी भी खतरनाक है। यानी कि आप बोलो तो जो भी टाइम में टेक्निक चल रही है, शॉट चल रहे हैं फ्रीस्टाइल में, वो ये बंदा लगाता है। और वीडियोस वगैरह भी काफी लंबे टाइम से अपलोड कर रखे हैं। चलिए गेम प्ले पहले देखेंगे गाइस, पहली वीडियो कुछ ही घंटे पहले अपलोड की है। ये नाम भी बंदेगा जीरोक्स ही है यहाँ पे। भाई जंप हेडशॉट जो क्या मारता है भाई, अरे 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 भाई रुक जा, क्या है ये? और भाई इस बंदे का ड्रीम है कि भाई मैं जीरोक्स से वर्सेस करूं, तो जल्द ही लेके आएंगे हम लोग, बस लाइक वाला बटन दबा देना भाई। बट क्या खेल रहा है ये बंदा, बट क्या एक्यूरेसी के सामने टिक पाएगा, बड़ा सवाल वही रहेगा भाई। एडिटिंग भाई वाइब तो है बंदे ने, फुल वीडियो खतरनाक बना रखी है यहाँ पे। एक और वीडियो कौन सी, फास्टर देन फ्लैश। ओके भाई भाई क्या बना रखा है बंदे ने, ये लग रहा है कोई मूवी देख रहा हूँ यार मैं। यार देख के मन ही नहीं भर रहा भाई, क्या खेल रहा है बंदा ये सामने। अच्छा ये तो शायद इसने वही डाली है जो वर्सेस यहाँ पे किया था। मैंने बोला था कि गाइस एंग्री को भी बहुत गंदा मारा भाई, एंग्री पकड़ नहीं। जी हाँ, कहने के एंग्री के अगेंस्ट भी गाइस कुछ शॉट्स इस बंदे ने बहुत जबरदस्त लगाए थे, ये वही वीडियो भी। मैं खुद बोल रहा था एंग्री पकड़ नहीं पा रहा है, कोई नहीं एंग्री भी आने वाले हैं भाई, जो भी जीतेगा उससे एंग्री करेगा फिर। अरे भाई तो गाइस ये 100% हेडशॉट रेट वाले बंदे का चैनल है, कुछ ज्यादा इसने अपलोड नहीं किया है, बट ये जब भी मेरी लाइव स्ट्रीम पे खेला गया तभी इसने मैचेस जीते निकाले वहां पे। उस टाइम पे भी इसका हेडशॉट रेट 94 के अराउंड था यहाँ पे, और कहने के ग्रैंड के अगेंस्ट भी ये मैचेस यहाँ पे जीता हुआ है। ग्रैंड का आप लोग पता होगा कि पिछले सीजन में ये कहने के रनर अप यहाँ पे रहा था। अब देखना पड़ेगा क्या ये उस मूवमेंट स्पीड वाले बंदे के अगेंस्ट जीत पाएगा, और फिर इसका मुकाबला एंग्री से होगा, या फिर मूवमेंट स्पीड वाला बंदा खतरनाक यहाँ पे खेलेगा, क्योंकि ये बंदा कमाल है भाई, जब जब खेला है जब जब जीता है। लेकिन आज अग्नि परीक्षा रहने वाली है। चलिए ग्रुप में जाते हैं, बात करते हैं इन प्लेयर से। तो गाइस दोनों का गेम आप लोगों ने देख लिया होगा, एक बंदे का हेडशॉट रेट है 98% से भी ज्यादा,
एक बंदा है यहाँ पे मिनी जीरोक्स, उसका मूवमेंट स्पीड बहुत खतरनाक है। तो दोनों को मैंने बोल दिया दोनों के मैचअप कराने वाले हैं, मैं थोड़ी बात यहाँ पे करने वाला हूँ उनसे। तो गाइस दोनों प्लेयर्स हमारे सामने आ चुके हैं और सबसे पहले मैं भाई अकाउंट यहाँ पे इस बंदे का दिखाना चाहूंगा। मैंने स्ट्रीम पे भी ट्राई किया था बट स्ट्रीम पे बंदे ने नीचे लिखा है भाई मैं ट्यूशन में था तो इसलिए कहीं ना कहीं मैच उस दिन नहीं हो पाया था, लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन यहाँ पे मैच और सीएस रैंक का। भाई देखो मैचेस तुम देख रहे हो भाई, बंदे ने 138 मैच खेले और उसमें 500 से ज्यादा खेले। केडी भी भाई दो का चाहिए होता है, मैं 2.52 का है। और हेडशॉट रेट अब मेरे को नहीं पता भाई ये इतना हेडशॉट रेट कैसे है इस प्लेयर का। तो आयुष भाई बताना चाहोगे इतना हेडशॉट रेट कैसे किया भाई तुमने? पता नहीं भाई अपने आप ही हो गया। अरे अपने ये इतना थोड़ी ना होता है यार कि इतना ज्यादा हेडशॉट रेट। अरे ब्रो 99 करता है, मेरा बॉट बन गया है, मेरा मैं ऑफलाइन चला गया, मेरा बॉट मार दिया बॉडी। अरे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम बॉट को ही मारते हो गेम के अंदर? नहीं भाई। तुम्हारी सीएस रैंक क्या रहा है? एलीट हीरोइक पे है वो भी 26 स्टार। तो भाई मेरे को तो पता नहीं गाइस आप लोग बताने क्या ट्रिक यूज करते हैं और कितना ये इफेक्टिव रहेगा। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्या लिटरली इस बंदे की एक्यूरेसी बिल्कुल अलग ही लेवल यहाँ पे रहने वाली है। अब खेलने के आएंगे जेरोक्सी पे और भाई ये बंदा बिल्कुल जेरोक्स स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत बंदे ये भी बोल दे कि भाई आप तो खेलने के जेरोक्स को खिला रहे हो यहाँ पे, ये इस नाम से कोई नया बंदा है ही नहीं, कंटेंट के लिए खिला रहे हो। बट ऐसा नहीं है भाई, मैं मिलवा देता हूँ। जेरोक्सी कैसे हो मेरे भाई? अरे बहुत बढ़िया स्टॉप भाई, आप बताओ? मैं बढ़िया हूँ। तो यार ये बताओ कि भाई क्या तुमने जेरोक्स को यहाँ पे मतलब देख के ही स्टार्ट की ये चीजें? हाँ मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो फ्री स्टाइल अगर आप सीख गए ना तो और खत्म सब लोग बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बंदे ने लिखा भी है भाई मैं जरूर चाहूंगा कि आने वाले टाइम में इस बंदे का जेरोक्स से मैच कराऊं। तो क्या कहना चाहोगे यार, तुम्हारे सामने 98% हेडशॉट रेट वाला प्लेयर है। बस एक्यूरेसी वाला प्लेयर है तो इस बार थोड़ा मूवमेंट कम करके खेलना पड़ेगा, बस यही बोलना चाहूंगा। अच्छा नहीं आधी बार ऐसा होता है ना जैसे हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं दिखाने के अलग होते हैं, तो बहुत ज्यादा जब हेडशॉट रेट बंदों का रहता है तो मेरे को ऐसे लगता है कि यार ये रियल नहीं है, क्योंकि ऐसे होगा तो ये कहीं ना कहीं सब बंदों को हरा देगा। और गाइस लिटरली मेरे को यहाँ पे लगता है कि टक्कर रहने वाली है, क्योंकि आयुष का मैंने बताया इतने लंबे टाइम से जीतते आ रहे हैं और अब एनजी के लिए बहुत ही कम यहाँ पे स्टेप्स रह गए हैं कि ये बंदा गिल में आने ही वाला है। बाकी जेरोक्सी का आज गेम प्ले हम लोग देखेंगे। हाँ। और चले बढ़ते हैं कस्टम रूम की तरफ एंड ऑल द बेस्ट दोनों को। गाइस दोनों प्लेयर यहाँ पे आ चुके हैं और चलते हैं मैच की तरफ। चले गाइस चलते हैं, पहला राउंड है, जेरोक्सी का मूवमेंट स्पीड यहाँ पे देखनी है। भाई ये क्या कर रहा है बंदा, इधर 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 उधर घूम रहा है यहाँ पे। चलिए आयुष कहने के यहाँ पे मिस कर रहे हैं बट सामने और जेरोक्सी यहाँ पे बूम 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 करते हुए फर्स्ट राउंड में चले गए। पहले राउंड में खेलने के उल्टा देखने के लिए मिला है बट दूसरा राउंड चले एक और राउंड, जेरोक्सी क्या कमबैक कर पाएंगे यहाँ पे? जेरोक्सी स्पीड कमाल, आयुष को क्या चौंका पाएंगे? बट फोर्थ जी हाँ फोर्थ राउंड में यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। जेरोक्सी अब खेलने के समझ रहे उतना ओपन में नहीं आ रहे वो, क्योंकि यार मूवमेंट स्पीड का तुम्हें पता है जैसे ही बंदा ओपन में बहुत टाइम के लिए आता है बड़ी क्या मार रहा है यार ये भाई। ओनली एक हेडशॉट जेरोक्सी को यहाँ पे पड़ चुका है, फिर से ओपन में आए हैं, यहाँ पे कनेक्शन नहीं बना पाए पीछे प्लेयर। ये क्या हुआ इस राउंड में? कहीं ना कहीं कमबैक जेरोक्सी ने किया है बट कंसिस्टेंट यहाँ पे रहना पड़ेगा। जी हाँ चुकाना पड़ेगा, अभी तक तो भाई यहाँ पे एक्यूरेसी वाला प्लेयर यहाँ पे कमाल कर रहा है और देखना पड़ेगा कौन प्लेयर एंग्री से वर्सेस करेगा। बट मेरे को लग रहा है आयुष उसके लिए रेडी नजर आ रहे हैं बिल्कुल। देखा जाए तो कहने के जंप हेडशॉट यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रहा है मेरे को अपोनेंट के यहाँ पे। कैसे रोकती बढ़ रहे हैं क्या यहाँ पे राउंड निकालेंगे? हेड कनेक्ट किया है यहाँ पे जी हाँ, और खुद का भी हेलमेट यहाँ पे डैमेज है। ये कहाँ से आया ये प्लेयर? गाइस कहीं ना कहीं ये राउंड में काफी ज्यादा समय लग रहा है, क्या जेरोक्सी का कमबैक आएगा या फिर क्या यहाँ पे आयुष फिनिश करेंगे? जेरोक्सी बहुत ज्यादा ओपन में खेल रहे हैं और क्या ये लास्ट राउंड होगा यहाँ पे? ओके ये अभी जेरोक्सी फिर से बचे हैं और यही है कि भाई ओपन में बंदा बहुत आ रहा है, उतनी एक्यूरेसी है नहीं जितनी आयुष की है यहाँ पे। फिर से ओपन में और आयुष यहाँ पे फिनिश करते हुए इस गेम को जीत लिया और अब एंग्री रेडी रहना भाई, ये बंदा तो मेरे को लग रहा है फेलने वाला है एंग्री को भी। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अब एक फाइनल मैच की तरफ जहां पे आयुष ने भी जेरोक्सी को हराया था एक तरफा।
बट अब द रियल हैकर है भाई इसके सामने, क्या लगता है एंग्री डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, पता नहीं। चलिए बढ़ते हैं और आई थिंक मेरे को लग रहा है गाइस ये एंग्री के लिए बहुत कंपटीशन है या फिर नहीं है एंग्री के लिए, बट पहला राउंड जो खेला है कुछ अलग ही देखने के लिए मिला है। ये क्या थोड़ा सा कम ज्यादा कर रहे हैं और क्या आज ऑफलाइन जाएंगे एंग्री भाई नीचे से, अब कहने के फाइट होने वाली है ऊपर। आयुष पहुंचते हुए दोनों एक ही बंडल में तो समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे को, पिछले राउंड में मेरे को लगा आयुष ओ जंप हेडशॉट आयुष। तो गाइस कहीं ना कहीं पिछला राउंड कुछ अलग ही था, कुछ खतरनाक ही था। यहाँ पे आयुष एक बार फिर से आ चुके हैं, कौन यहाँ पे लीड लेगा इस गेम में, कौन यहाँ पे बाजी यहाँ पे मारेगा। ओके ये अभी आयुष यहाँ पे पीछे ओपन में खेलना चाह रहे हैं, एंग्री डेजर्ट ईगल ट्राई करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके एंग्री आगे बढ़ते हुए जिया बट नहीं आयुष, ये क्या कर रहे हो आयुष। एंग्री गाइस ओप गया है उधर यहाँ पे, चलिए एंग्री आ चुका है अब 2-1 यहाँ पे स्कोर, एंग्री फिर से आगे बढ़ रहे हैं। बट तुम देख रहे हो भाई रियल प्लेयर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा तुम ओपन में निकल रहे हो सामने वाला मिस ही नहीं कर रहे। और एक और हेडशॉट आयुष का, एंग्री को पागल कर दिया भाई, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कोई प्लेयर आते ही यहाँ पे मारे। चले गाइस आयुष यहाँ पे आ चुके हैं बट ये कुछ डिफरेंट ही हो रहा है, एंग्री रश कर रहे हैं। एंग्री कहने के इस बार अपने आप को जी एंग्री कुछ डिफरेंट ही क्या ट्राई करेंगे। आयुष कहीं ना कहीं ऐसा लगा था उनके कैरेक्टर रुक गए वहां पे, बट एंग्री कम बैक करते हुए देखना पड़ेगा ऑफलाइन है कि यहाँ पे नहीं है, यार मानना पड़ेगा उसकी एक्यूरेसी खतरनाक है यहाँ पे आयुष की। एंग्री भाई वॉल का यूज करना चाहते हैं यहाँ पे, वॉल के पीछे रह के उसको हेडशॉट देना चाहते हैं, 3-2 यहाँ पे इसको। बट दोनों ओके आयुष भी शायद ट्राई करना चाहते थे बट अब वो निकल चुके हैं वॉल से। आयुष बहुत ही सोचा समझा गेम अब यहाँ पे खेल रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी ओपन में आए और एंग्री बूम करते हुए मैच यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस अब बन चुका है 3-0। एंग्री का एक कमबैक यहाँ पे आता हुआ, बट गाइस जिस हिसाब से मैच चल रहा है लिटरली मैंने जितना सोचा था उससे एक लेवल बढ़ के हो रहा है। मेरे को लगा था टक्कर तो रहेगी दोनों प्लेयर, ये क्या हो रहा है भाई, आते ही दोनों बंदे पहले या दूसरे शॉट में मार दे रहे हैं, तभी कहीं ना कहीं इनका हेडशॉट रेट इतना खतरनाक है कि अपोनेंट को चांस ही नहीं देते ये लोग। एंग्री भी बाहर नहीं निकल रहे हैं जी हाँ कहीं ना कहीं, जैसे क्योंकि दोनों को पता, ओ नहीं कैसे मिस कर सकते हैं आयुष, क्योंकि भाई कोई भी प्लेयर यहाँ पे मिस ही नहीं कर रहा था और अब आयुष ने इतना अच्छा मौका, हालांकि शॉक किया एंग्री को भी, एंग्री को लगा सामने प्लेयर है बंदा पीछे था, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से और गलती आयुष ने की, फायदा एंग्री ने उठाया उस चीज का। चले गए देखो राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, 3-5 यहाँ पे स्कोर है, बट क्या गेम हो रहा है, आई थिंक मेरे को लग रहा है बेस्ट 1v1 मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। दोनों प्लेयर सीधा रश कर रहे हैं, एक्यूरेसी दोनों की खतरनाक है और ये क्या है भाई, ये ऐसे लग रहे मैं हाईलाइट देख रहा हूँ यार। चलिए गाइस ये राउंड में देखेंगे क्या होगा। ओके एंग्री की तरफ ही दोनों प्लेयर्स यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, आयुष कहने के आगे आ चुके हैं। ओके आयुष ने बॉल नहीं डाली है, ओ बचना भाई, अटैक कर रहे हैं एंग्री जैसे बिल्कुल भूखा हो यहाँ पे हेडशॉट का, किल्स का भूखा हो यहाँ पे प्लेयर। ओके ये अभी गो भाई, क्या कमबैक आएगा, आना चाहिए यार आयुष का कमबैक, लिटरली कमबैक आना चाहिए बट नहीं, एंग्री नीचे गिर गए हैं, अब ऊपर आना पड़ेगा और फिर यहाँ पे फाइट करेंगे। बट व्हाट, ये क्या किया आयुष ने, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है, कहने के मेरे हिसाब से थोड़ा गलत शॉट मेरे को लगा ये, क्योंकि तो चांस देना चाहिए था प्लेयर को ऊपर आने के बाद में। गाइस बाकी आप लोग कमेंट करके बताना जरूर, आप लोग क्या लगता है, क्या वो शॉट जो यहाँ पे आयुष ने लगाया अनफेयर है, फेयर है, क्या है यहाँ पे। आयुष एक और राउंड में क्योंकि माइंड गेम खेल रहे एंग्री को और कहने के गुस्सा, बट ये शॉट मिस कर दिया है, एंग्री ने बॉल भी नहीं लगाया था बट एंग्री यहाँ पे फिनिश करते हुए 4-7 से। जिया एंग्री अनबिलीवेबल गेम प्ले, सामने वाला प्लेयर आपको बताइए भाई कितना खतरनाक था, हेडशॉट रेट उसका क्या था, बट एंग्री डिड इट। और गाइज मैं आप लोग बता दूं दोनों प्लेयर्स के बीच में बेस्ट ऑफ 3 मैचेस हुए हैं और फर्स्ट गेम आयुष ने निकाला था, लास्ट के बैक टू बैक एंग्री यहाँ पे मैचेस निकालते हुए और ये सबसे लास्ट वाला गेम आप लोगों के सामने है, कमाल यहाँ पे गाइज।
एंग्री के लिए ओपी हो जाए और एंग्री का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, एंची एंग्री से आप लोग मिल जाएगा यूट्यूब पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।